वेलकम टू एनालिसिस सर्विस। बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बडिंग, जो कि आपके यह भी जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रोसेस है बडिंग, जिसको कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में फीजन्स को कंप्लीट करा था, जिसमें कि हमने बाइनरी फीजन्स और मल्टीपल फीजन्स हमने पढ़ा, अब हम लोग दूसरा प्रोसेस जो कि बडिंग है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो बच्चा, बडिंग जो होती है वह एक टाइप की, जैसा कि आपको पता ही है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसके बॉडी के आउटसाइड बच्चा एक ग्रोथ हो जाती है, आउट ग्रोथ जिसको बोल सकते हो, या फिर जिसको आप बर्ड बोलते हो। अब इसको बहुत जगह आउटर प्रोजेक्शंस भी बहुत लोग बोलते हैं, या फिर बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं। बल्ब लाइक प्रोजेक्शन इसलिए कि हम लोग जो बल्ब जो यूज करते हैं ना, बिल्कुल कुछ यूं ऐसे उभार टाइप, ये इस तरह का जो है वह स्ट्रक्चर जो है वह निकल आता है, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलते हो, बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस। तो यह क्यों होता है और कैसे होता है इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये बल्ब लाइक, किसी भी नहीं मतलब आप बोल सकते हो, तो बडिंग जो है बच्चा क्या होता है, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं उनके बॉडी के आउट, उनके बॉडी के अराउंड एक आउटग्रोथ होता है, जिसको कि आप बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बोलते हो। और यही जो है वो आपके पेरेंट्स से अटैच रहते हुए ये जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं, और न्यूट्रिशन लेते लेते यह क्या होते हैं कि उन्हीं से अटैच रहेंगे और ये फर्दर ग्रो करते हैं। और जब ये ग्रो हो जाएंगे, एक तरह से भी मेच्योर जब हो जाते हैं, तो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा है कि हम क्या कहेंगे कि बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बर्ड लाइक प्रोजेक्शन एट वन पर्टिकुलर साइट। जी हाँ, क्या होगी बच्चा कि यह जो बर्ड लाइक जो प्रोजेक्शन है वह आपके पेरेंट ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के किसी पर्टिकुलर साइट में ही डेवलप होती है, पर्टिकुलर साइट, ठीक है। तो अब क्या होंगे कि जो न्यूली जो ऑर्गेनिजम्स, ये जो आपके बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो है, यह क्या होते हैं, तो दिस बर्ड गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर पेरेंट बॉडी। यह जो है न्यूट्रिशन कहां से पाएंगे, अपने पेरेंट बॉडी से पाएंगे। एंड आफ्टर मैच्योरेशन इट विल सेपरेट, और मैच्योर होने के बाद ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अपने जो पेरेंट्स की जो बॉडी है उससे ये अलग हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि बच्चा आपके जो ईस्ट होते हैं, ध्यान देंगे कि आपके जो ईस्ट होते हैं उसमें स्मॉल बल्ब लाइक जो प्रोजेक्शन जो होती है, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन और आउटग्रोथ कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बर्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। तो क्योंकि बच्चा ये जो रिप्रोडक्शंस जो, क्योंकि ये जो प्रोसेस है यह आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के ही टाइप हैं, तो इसमें बाकी के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के जो टाइप हैं उन्हीं की तरह जो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होंगे तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखेंगे,
तो यह क्लोन की तरह तो होते ही हैं, आई मीन क्लोन का मतलब होता है एकदम आइडेंटिकल जिसको बोलते हैं, एकदम सेम, तो उनकी अपने पेरेंट्स की तरह तो होंगे ही, लेकिन इनमें जो है अगर इस बात की गारंटी आप नहीं ले सकते, मान लो कभी क्या होती है कि इसमें किसी तरह के जेनेटिकली चेंजेज आ जाए या किसी तरह की म्यूटेशन आ जाए, उस चीज को आप कंसिडर आप नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, जैसे इस चीज को पहले नोट डाउन करेंगे कि द न्यूली ऑर्गेनिज्म या फिर द न्यू ऑर्गेनिज्म, द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस by budding is a clone, वह क्या होगा? क्लोन होगा। क्लोन का मतलब क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल और एग्जैक्ट सिमिलर टू देयर पैरेंट, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज को आपको निग्लेक्ट करना है, वह क्या है? म्यूटेशन को ध्यान देंगे कि इसमें जो है लिखेंगे क्लोन एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड जेनेटिकली identical to their parent except mutation। अब mutation क्या है? तो mutation होती है random changes in जीन और क्रोमोसोम ड्यू टू चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ध्यान देंगे बच्चा, इसको हम लोग जीन में भी चेंजेस बोल सकते हैं, ये किसी एक हिस्से में भी हो सकते हैं, ये किसी आप बोल सकते, यह जो म्यूटेशन जो है बच्चा वह आपके एक कंप्लीट डीएनए में भी हो सकता है, उसके कुछ हिस्से में हो सकता है, एक पॉइंट पे भी अगर चेंजेस अगर हो तो वह जो बच्चा है जो कि म्यूटेशंस कहलाएंगे। किसी भी डीएनए के पार्ट्स में, मान लो कि ये अगर डीएनए है, इसके हो सकता है ये पूरे पार्ट्स में किसी तरह की फेरबदल हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक खास लोकेशन पे ही चेंजेस आए, या फिर यूं हो सकता है कि मान लो किसी एक पॉइंट पे अगर चेंजेस आ जाए तो वह क्या कहलाएगी? आपकी म्यूटेशन कहलाएगी। और ये जो म्यूटेशंस जो होती है, तो यह म्यूटेशंस कैसे होती है, तो यह समझेंगे कि दिस चेंजेस ओनली पॉसिबल ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल फैक्टर। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं बच्चा, उनके कारण ये चेंजेस पॉसिबल है। अब वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो वह आपके हो सकते हैं लाइक यूवी रेज, from the sun and error in DNA copies during सेल्स। अब ध्यान दीजिए, ये म्यूटेशन जो है वह क्या होती है? रैंडम चेंजेस होती है, और यह जो होती है आपके डीएनए के किसी भी पार्ट में हो सकता है, उस पूरे डीएनए में हो जाए,
वो चेंजेस, या फिर यह भी हो सकता है कि वह किसी स्पेशल लोकेशन पे हो या फिर किसी स्पेशल पॉइंट पे हो। अगर किसी भी तरह की चेंजेस होगी बच्चा तो वो क्या कहलाएगा, म्यूटेशन कहलाएगा। अब देखो म्यूटेशन जो होती है बच्चा उसमें आप क्या कह सकते हैं पॉसिबल कब है, तो यह सिर्फ और सिर्फ आपके किसी न किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ही पॉसिबल है, लाइक अ यूवी रेज। इससे क्या होता है बच्चा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कभी कभी सेल डिविजन के दौरान जब डीएनए की जो कॉपी होती है उसमें अगर कभी एरर अगर आ जाए तो म्यूटेशंस पॉसिबल है, क्योंकि भाई एरर आएगी तो चेंजेस हो जाएंगे, जैसे कॉपीज होने चाहिए थे वैसे एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, एरर होगा, और जब एरर होगा दैट मीन चेंजेस होंगे, और चेंजेस होंगे दैट मीन की म्यूटेशन होगा। तो देखो बच्चा बर्डिंग में जो भी आपके ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहे हैं वह क्या होंगे, एग्जैक्ट आपके पेरेंट्स की तरह ही दिखेंगे, लेकिन अगर मान लो उनमें से किसी में अगर म्यूटेशन अगर हो जाता है तो इस बात को हम निग्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो मेन जो हमारा रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि पेरेंट्स की तरह ही दिखेंगे, वो बिल्कुल क्लोन जो है जिसको क्या बोलते हो आइडेंटिकल या फिर एग्जैक्ट सिमिलर लाइक टू देयर पेरेंट्स वही होंगे, ठीक है। अब जो है बच्चा के बात करेंगे कि आपके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे इनमें ऑर्गेनिजम्स होते जैसे हाइड्रा वगैरह आपने सुना होगा, तो हाइड्रा जिसके पास क्या है रीजनरेटिव सेल्स भी होते हैं उनके पास, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए इनके होते हैं, ठीक है। और इनके जो रीजनरेटिव जो सेल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए वही इनके ये बर्डिंग के प्रोसेस में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देखिए तो आपके हाइड्रा की अगर बात करें तो हाइड्रा यूज देयर रीजनरेटिव सेल फॉर रिप्रोडक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ बडिंग। यानी कि आपके हाइड्रा जो है वो अपने रीजनरेटिंग सेल का यूज कहां करते हैं, तो आपके इस बडिंग के प्रोसेस में करते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपके हाइड्रा के बॉडी के अराउंड जो है आउटग्रोथ निकलेगा, फिर क्या होंगे किसी स्पेसिफिक साइट पे जो है वहां पे निकलेंगे। अब देखो अब सवाल ये आती है कि आखिर ये जो बल्ब लाइक जो हमने स्ट्रक्चर जो हमने कहा कि बल्ब लाइक जो प्रोजेक्शन निकलेगा वह आखिर निकलेगा क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है। तो देखो बच्चा इसके पीछे रीजन क्या होती है कि आउटग्रोथ पॉसिबल ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन जो है वो क्या हो, रिपीटेड हो, कहां पे, एट वन स्पेसिफिक साइट, किसी एक स्पेसिफिक साइट पे अगर सेल डिवीजन रिपीटेड हो तभी बच्चा आपके बर्ड्स जो है वह डेवलप होंगे, ठीक है। और जब वो बर्ड्स जब डेवलप होंगे बच्चा तो क्या होगा, इस डेवलपिंग के दौरान ध्यान देंगे, जब वो बर्ड्स डेवलप होगा तो इस प्रोसेस के दौरान वह जो है अपने जो भी न्यूट्रिशन जो है जाहिर सी बात है वह अपने पेरेंट्स से लेंगे, वह कहाँ से लेंगे, अपने पेरेंट्स से लेंगे, और पेरेंट्स से जब वो लेंगे न्यूट्रिशंस, और जब उनको क्या होगा कि जब उनकी बॉडी जो है वो मैच्योर हो जाएगी, जब वो ग्रो कर जाएंगे देन आफ्टर वो अपने पेरेंट के बॉडी से अलग हो जाएंगे। अगर हम एक एग्जांपल्स के थ्रू देखें तो देखिए यह जो है हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी चलिए काम चलाओ देखते हैं। चलिए ये रहा हाइड्रा, और इसी हाइड्रा में एक मान लो ये एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर साइट है जहां पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपके रिपीटेड सेल डिवीजन हुए हैं, इस एरिया में क्या हुए हैं, रिपीटेड सेल डिवीजन। और इसी से ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो है वह निकले, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। अब क्योंकि ये तो आपके पेरेंट हाइड्रा हैं,
ये आपके पैरेंट हाइड्रा हैं। अब ये पैरेंट हाइड्रा में जो अब निकल गया बल्ब लाइट प्रोजेक्शन, अब ये क्या होगा कि ये जो बल्ब लाइट प्रोजेक्शन है वो अपने पैरेंट हाइड्रा से न्यूट्रिशन लेगा। चलिए देखते हैं कैसे ले रहा है। ये क्या करेगा, अपने पैरेंट से न्यूट्रिशन लेते जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये फुली जब ग्रोथ हो जाएगा तो अपने पैरेंट से यह अलग हो जाएगा। देखिए ये, और ये रहा आपका न्यू हाइड्रा, ये रहा आपका डॉटर सेल, या फिर आप इसको न्यू हाइड्रा कह सकते हो। तो कुछ यूं होती है कि आपके जो पैरेंट हाइड्रा है बच्चा, उसी में कि उनके किसी बॉडी के एक स्पेसिफिक साइट पे क्या हो जाएगा, रिपीटेड सेल डिवीजन होगी, जिसके कारण कि यह आउटग्रोथ निकलते हैं और यही आउटग्रोथ अपने पैरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन लेंगे। न्यूट्रिशन लेने के बाद इनमें क्या हो जाएंगे, इनमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती जाएगी होती जाएगी, देन आफ्टर जब यह क्या हो जाएगा, यह मेच्योर हो जाएगा। जब यह क्या हो जाएगा, मेच्योर हाइड्रा हो जाएंगे, देन आफ्टर यहां पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। देखो अपने पैरेंट से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से फिर अब ये क्या होगा, अब ये फिर एक तरह से फिर जैसे इनके पेरेंट्स ने इस प्रोसेस को पूरा किया, अब फिर से ये भी अपने उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो यही होता है आपके बर्डिंग में। अब अगर बात की जाए बच्चा के बर्डिंग की, तो बर्डिंग में बच्चा जैसे कि बात की जाए कि इसमें जो भी इंडिविजुअल्स जो होंगे, इंडिविजुअल आप किसको बोल रहे हो, इस न्यू ऑर्गेनिजम्स को बोल रहे हो, कि जब ये तो बात समझ में आ गई कि भाई जब तक ये फुल्ली ग्रोथ नहीं होगी इनमें, जब तक ये कंप्लीटली मेच्योर नहीं होंगे, तब तक अपनी बॉडी से अपने तब तक अपने पेरेंट्स की बॉडी से यह अलग नहीं होंगे। इसमें आपके बर्डिंग प्रोसेस की, तो इसमें एक नया वर्ड आता है या एक अलग वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल बर्डिंग। आपने बहुत बच्चों जो क्वेश्चन अगर कभी सॉल्व करते हैं तो उनको ये जरूर वर्ड कहीं ना कहीं उनको मिला होगा, जिसे कि हम लोग इंडो डायोजेनी कहते हैं, इनको हम लोग इंडो डायोजेनी भी कहते हैं, जनरली इंटरनल बर्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो यह जो बच्चा, यह एक प्रोसेस होती है जिसमें कि ये जो प्रोसेस होती है यह भी एक तरह का जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होती तो है, लेकिन इसमें क्या होता है, फेवर्ड बाय पैरासाइट्स। अब देखो इंटरनल बर्डिंग क्यों कहा गया, क्योंकि पैरासाइट्स जो होते हैं बच्चा, पैरासाइट आप किसको बोलते हो, जो कि किसी होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, होस्ट सेल के अंदर रहते हैं। तो भाई होस्ट सेल के अंदर रहेंगे बच्चा, तो कहीं ना कहीं उसी के अंदर इनके डिवीजन करेंगे ना, और डिवीजन करेंगे तो बर्डिंग के थ्रू कर रहे, तो हो गई ना इंटरनल बर्डिंग। जैसे मान लो कि ये कोई होस्ट सेल है, जैसे मान लो ये एक होस्ट सेल है, इसके अंदर ये मान लो क्या रह रहा है, ये पैरासाइट रह रहा है।
तो ये पैरासाइट जो है ये क्या होगा, इसमें आउटर ग्रोथ होंगे, देन आफ्टर फिर क्या होगा, इसके जो भी जो आउटर ग्रोथ है वह डेवलप होंगे, तो इस तरह से इसके बहुत सारे जो न्यू डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस होंगे कि नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये पैरासाइट जो है ये क्या करेगा, बडिंग करेगा, तो बडिंग इनसाइड द होस्ट सेल। बडिंग कहाँ करेगा, होस्ट सेल के अंदर। इसीलिए इस बडिंग को आप क्या बोल रहे हो, इंटरनल बडिंग बोल रहे हो। और इसमें एग्जाम्पल्स जो होते हैं बच्चा वह आपके होते हैं टैक्सोप्लाज्मा गोनाइडी, टैक्सोप्लाज्मा गोंडी। टैक्सोप्लाज्मा गोंडी जो है बच्चा यह आपके इंट्रासेलुलर पैरासिटिक प्रोटोजोआन होते हैं, यह जो है इंट्रासेल्युलर पैरासिटिक प्रोटोजोआन यूकैरियोट्स। जी हाँ, ये जो है आपके इंट्रासेल्युलर पैरासिटिक प्रोटोजोआन यूकैरियोट्स होते हैं। अब ये जो है बच्चा, अब इसमें अगर बात की जाए कि आपके जो इसमें अगर बात की जाए कि ये इंट्रासेल्युलर पैरासिटिक क्या है, तो इंट्रासेल्युलर पैरासिटिक का मतलब जो है बच्चा, ये जो इंट्रासेल्युलर है बच्चा इसका मतलब क्या होता है कि लोकेटेड इन द सेल, सेल के अंदर रहते हैं ये, ठीक है। और क्योंकि बच्चा ये पैरासिटिक प्रोटोजोआन है, तो पैरासिटिक प्रोटोजोआन यूकैरियोट इसलिए क्योंकि यह जो है बच्चा आपके होस्ट सेल के अंदर रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पैरासाइट तो है ही। और ये क्या है आपके प्रोटोजोआंस यूकैरियोट्स आपके हैं, प्रोटोजोआंस यूकैरियोट्स हैं। ये इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये प्रोटोजोआन यूकैरियोट्स का मतलब होता है सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चा बात कहां से कहां आई, हमने बात करी कि इंटरनल बर्डिंग जो होती है वह क्या होती है कि जब कोई पैरासाइट्स अपने होस्ट बर्ड सेल के अंदर जो है वह बर्डिंग करेगा यानी रिप्रोडक्शंस करेगा, तो उसी को उसी बर्डिंग के प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, इंटरनल बर्डिंग बोलोगे। और ये होता किसमें है, टैक्सोप्लाज्मा गोंडी में होता है। और यह जो है क्या है, इंट्रासेल्युलर पैरासिटिक प्रोटोजोआन यूकैरियोट है। अब भाई इतना लंबा चौड़ा नाम, तो भाई क्यों, तो देखिए इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या है, क्योंकि यह सेल के अंदर पाया जाता है, बहुत बढ़िया, पैरासाइट है तो सेल के अंदर ही होगा। प्रोटोजोआन यूकैरियोट्स का मतलब क्या, तो सिंगल सेल जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको बच्चा हम लोग प्रोटोजोआन यूकैरियोट्स कहते हैं। अब अगर बात की जाए कि आपके जो ये जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, या ये जो आप बोल सकते हैं पैरासाइट्स जो होते हैं, यह जो डिजीज काउज करते हैं, ये काउज द इन्फेक्टियस डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज जिसका नाम है टैक्सोप्लाज्मोसिस, जिसका नाम है टैक्सोप्लाज्मोसिस। अब टैक्सोप्लाज्मोसिस क्या है, तो यह जो है ये जो सिम्टम्स होती है वह एडल्ट पीपल में होती है, यह जो है वह एडल्ट में होती है। और जनरली इसमें जो है लोगों को जो है जो सिम्टम्स इसके जो होते, एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइड डिजीज है, छोटी मोटी डिजीज नहीं है बच्चा, ये इसके सिम्टम्स जो हो जाएंगे बच्चा वह आपके होते हैं मसल्स एक, मसल एक, देन आफ्टर आई प्रॉब्लम, और इसके साथ ही फ्ल,
फ्लू लाइक, फ्लू लाइक प्रॉब्लम, फ्लू में जो प्रॉब्लम होती है ना बच्चा, वही प्रॉब्लम्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और ये जो भाई डिजीज है, चलिए ये तो बता दी कि आपके जो टैक्सोप्लाज्मा गोंडी जो है वो कौन सा डिजीज काउज करता है, तो टैक्सोप्लाज्मोसिस करता है, अडल्ट में काउज करता है, बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है। अब देखिए ये जो है एक्चुअली, अब आपकी बात अगर की जाए तो ये जो प्रोसेस होती है बच्चा, ये प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस होती है बच्चा, तो इस प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जो दो डॉटर सेल्स जो होती है वह प्रोड्यूस होती हैं कहाँ, आपके इनसाइड मदर सेल, मदर सेल के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। इसमें जो है इन दिस प्रोसेस बात करेंगे कि इन दिस प्रोसेस टू डॉटर सेल प्रोड्यूस इनसाइड अ मदर सेल बॉडी। मदर सेल बॉडी के अंदर क्या होगा, ये प्रोड्यूस होंगे, लेकिन क्या होगी कि यही जो है, तो जो दो डॉटर सेल्स जो प्रोड्यूस होंगी मदर सेल्स के अंदर बच्चा, यही जो डॉटर सेल है वह क्या कर देंगी, तो ये डॉटर सेल जो है वह विच इज कॉमनली कंज्यूम्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर सेल विदाउट सेपरेशन। यह जो डॉटर सेल है इस प्रोसेस में क्या होती है कि मान लो एक मदर सेल है, इनके अंदर दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये जो है वह क्या रही बच्चा, यह मदर सेल रही, ठीक है, और इनके बीच दो डॉटर सेल जो है इन्हीं की बॉडी में, इस मदर सेल की बॉडी में ही डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गई। अब ये डॉटर सेल को क्या होना चाहिए था, अपने मदर सेल से अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन यह जो है वह अलग नहीं होती है, ये क्या करती हैं कि अपने इस मदर सेल से ये जो है वह न्यूट्रिशन लेती हैं, और न्यूट्रिशन लेके यह ग्रो कर जाती हैं, और लास्ट में क्या होता है कि ये मदर सेल की जो बॉडी है वह खत्म हो जाती है और दो डॉटर सेल्स जो है वह क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, टू न्यू डॉटर सेल, दो न्यू डॉटर सेल जो है वह आपके बन जाते हैं। तो यही होता है बच्चा आपके इंडो, यही होता है आपको इंडियोजेनी, यानी के यही होता है आपको इंडोडायोजेनी यानी इंटरनल बॉडिंग्स में। अब इसी में बच्चा आपकी अगर बात की जाए कि एक वर्ड आती है इंडोपॉलीजेनी, एक वर्ड और आती है इंडो पॉलीजेन, जिसका मतलब होता है कि इंटरनल बॉडिंग तो होती है, बहुत ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है, लेकिन यह जो होगी वह सिर्फ एक बार होगी। क्या होगी इसकी बात करेंगे, इट इज द काइंड्स ऑफ डिवीजन इनटू सेवरल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स at once by internal budding। इसमें जो है बच्चा यह आपके organisms जो हैं यह इंडो, यह अगर बात की जाए इंडोपॉलीजेनी की, तो इसमें क्या होगा कि divisions तो होगी, एक ही बार डिवीजन होगी, लेकिन इसमें सेवरल ऑर्गेनिजम्स जो है वह प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये जो है क्या होती है एंडोपॉलीजेनी की, कि यहां पे एक ही बार डिवीजन होगी और एक ही, यानी एक ही बार इंटरनल बर्डिंग होगी और उसमें सेवरल डॉटर सेल, सेवरल ऑर्गेनिजम्स जो है वह क्या हो जाएंगी, प्रोड्यूस हो जाएंगी।
इंडोपॉलीजेनी जो है बच्चा वह एक ऐसा प्रोसेस है, एक तरह का डिवीजन है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में एक ही बार में इंटरनल बर्डिंग हो जाती है। यानी कि जो डिवीजन जो होगी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में एक एक ना करके एक ही बार में इंटरनल बर्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अब जो है अब अगर बात की जाए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनमें एक बार कभी कभी आपको इसमें जो है कभी कभी आपको बोला ये जाता है कि सेल जो है कभी एसिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं बर्डिंग के थ्रू, वो क्या होते हैं? एक चीज़ याद रखेंगे, कभी कभी आपको क्या होता है कि कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि कुछ सेल जो है वो एसिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं लेकिन वह बर्डिंग के थ्रू ही डिवाइड करते हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स वगैरह। तो देखो बच्चा कि सम सेल्स, उसकी बात हम लोग जान लेंगे कि सम सेल्स डिवाइड एसिमेट्रिकली बाय बडिंग। फॉर एग्जाम्पल क्या होंगे? तो वह एग्जाम्पल हो जाएंगे साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये जो है ये आपके ईस्ट के स्पीसीज होते हैं, या जो है ईस्ट होते हैं जो कि यूज होते हैं किसमें? बेकिंग में एंड ब्रीविंग में। ब्रीविंग क्या है बच्चा? तो ब्रीविंग जो है वह आपकी प्रोसेस होती है जिसमें क्या बनाते हैं, जैसे कि अल्कोहल वगैरह बनाते हैं ना, उसकी उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ये रही बच्चा आपके बर्डिंग की, जो बर्डिंग आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत जगह कभी कभी ये चीज एक्स्ट्रा रही कि जिसमें कभी कभी क्या पूछ दिया जाता है इंटरनल बर्डिंग क्या होती है, जिसको कि इंडोडायजनी बोलते हैं। उसी के साथ ही आपको पूछ दिया कभी कभी ये जाएगा कि इंडोपॉलीजेनी क्या होती है। तो ये जो है हम लोगों को जाननी जरूरी थी, क्योंकि हम लोग कोई भी पॉइंट्स हम लोग नहीं छोड़ सकते। हम लोग जो है एक भी पॉइंट बिल्कुल, हम लोग एक भी टॉपिक जो है उससे जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उस सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो बच्चा यहाँ पे हम लोग की जो बर्डिंग प्रोसेस है, यहाँ पे बच्चा हम लोग की जो बर्डिंग प्रोसेस है वह कंप्लीट होती है। और ये हो गई, अब अगर बात की जाए लास्ट में अगर एक कंप्लीट एग्जांपल की कि ये बर्डिंग जो है वह किस किस में होती है बच्चा, तो यह जो है वह आपके कोरल्स में होती है, इसके अलावे स्पॉन्जेस में होती है, कुछ फ्लैटवर्म होते हैं उनमें होती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा हाइड्रा के अलावा जो है अगर बात की, अभी हमने जो बाकी के जो एग्जाम्पल देखी बच्चा, तो उसके अलावे अगर, तो बच्चा अभी तक आपने हम अभी तक हमने इसमें बर्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। इसमें जो है हमने एक्स्ट्रा में इंटरनल बर्डिंग्स क्या होती है, फिर इंडोपॉलीजेनी क्या होती है, यह हमने जाना। तो इसके जानने के बाद बच्चा अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमने एग्जाम्पल जो भी पढ़े उसके अलावे कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए कि कोरल स्पॉन्जेस होते हैं, कोरल होते हैं, स्पॉन्जेस, फ्लैटवर्म्स ये होते हैं। तो आज के वीडियो में बच्चा आपने बर्डिंग्स को कंप्लीट कर लिया। तो आज के वीडियोस में बच्चा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बच्चा हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशंस। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट के लिए बच्चा आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।